जी मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मेडिसिन मैं अपने चोर ला कुछ मिल लो। मर्स कैसे हैं? अच्छो लखू किधर? मैं अपने अच्छो लखू से मिले। ये देखें आप ही ने एंजॉय कर दे। तुमने कैसा है? इधर देखो ये सुबह के नाश्ता और चाय रस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत ऑफिस से होंगे, सेहतमंद तंदुरुस्त होंगे इंशाल्लाह, ये दुआ है दिल से। आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में आप सब लोग खुश आमदीद। तो आज कौशल की तबीयत कैसी है? आप कौशल से भी आज मिलवाएंगे तो आज सारा दिन की रूटीन आपसे मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो अब मेरे चैनल को इस तरह ढेर सारी सपोर्ट करते ने, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी और लाइव लाइव बढ़े। तो चले मिलते हैं, अब थोड़ी देर तक कोशिश से भी मिलवाएंगे आपकी। अब उसकी तबीयत कैसी और क्या हुआ था ये भी बताएंगे। नन्ना पहलवान केले भेज रहा है, तुझे नाम बोल जाता है इसका, और साथ में चाय भी है, याशी भी हो रही है। वाह वाह आहदली है। क्या किस तरह पे दर्जन केले? बहुत अड़का केले किस तरह में? आदली क्या स्कोर पर केले भेज रहा है जी नन्ना। मैं लगी चाय भी चाय मेरा चाय मुझे ढूंढ रही थी मैं आपके सामने हूँ। नहीं भी हुआ वापस आ गए तो उस्मान के अबू की मेरे बात पुरानी दो चार दिन पहले वीडियो नहीं पाया था मैंने उसे बात मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाया तो इंशाल्लाह आज करूँगा। तो उस्मान के अबू आए थे स्कूल पहली दफ़ा बीमारी के बाद तो उसकी खुशी की इंतहा देख नहीं जा रही थी, बड़ा एक्साइटेड थी, बड़ा खुश थी कि अबू स्कूल आए हैं काफ़ी दिनों बाद। तो इवन के मुझे बच्चों को सब किसी को बोल गए थे कि उधर उसको इतनी ज़्यादा खुशी थी कि अब स्कूल आ गए। उन्होंने मेरे अपने हाथों से माशाल्लाह नियाज बांटी है, वो भी आप देखिएगा। तो मैंने कहा मैं आपसे आज वो वीडियो शेयर करता हूँ। तो अबू के लिए बहुत सारी दुआएं करें, अल्लाह ताला उनको जल्द से भी आप कर दें। आप भी उनको हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेके गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो आएंगे तो मैं उनको मिल के आया था कल रात को, तो कुछ बेहतर है अल्लाह ताला उनको मजीद सेहत दे। तो अब आएंगे तो पूछेंगे क्या अपडेट दी है डॉक्टर ने, तो वो भी मैं इंशाल्लाह उनसे आप लोगों ने देखे। मेरे अबू बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर वही दिन वापस आ गए, खुशियाँ लौट आई हमारी, देखे कितनी मजे की दे। बिस्मिल्लाह रहमान अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे अबू वापस आ गए हैं। शुक्र अलहमदुल्ला चले बड़े अबू जी कौन सा मिले के बना रहे आड़ू का? आड़ू अभी भी है जी, एक डेढ़ महीना हो रहे हो। और ड्राई फ्रूट भी बना रहे, ड्राई फ्रूट क्या रेट होंगे?
शोर बड़ा आपकी मशीन में, ये देखें बड़ा मजे का सीट तैयार हुआ। ये डिस्पोजेबल पैकिंग है, पूरी चप्पल को आप फ्रेश फ्रेश ताज़ा तैयार हो, और यहाँ बड़ी हुई आलू बने कहीं बच्चे खेल रहे हैं, ये फुटबॉल खेल रहा है छोटा बच्चा, वहाँ से क्रिकेट खेली जा रही है। और ये पाइप से कौन खेलता है फुटबॉल, मेरा कीमा बन जाएगा जी, क्यों मेरा कीमा क्यों बनाएंगे आप, देखिए जी कितना गुस्सा कर रही है मेरे। कोचर भी मिलते हैं, उसकी तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, क्या हुआ था तबीयत, क्यों तबीयत खराब हुई थी? ऊंची बोल, ऊंची बोलना आवाज नहीं आती थी, क्या हुआ था तबीयत? तबीयत मेरी खराब हो गई थी। क्या हुआ था? अस्थमा का अटैक हुआ था। अस्थमा का अटैक होता है जब ब्लड प्रेशर करती है तो अस्थमा का अटैक आ रहा है। मैं ब्लड प्रेशर नहीं करती, वैसे तबीयत ब्लड प्रेशर करने से तबीयत खराब होती है। उसको काफी देर ये मना करती है, लोग मना होने के बावजूद खा लेती है। वैसे अस्थमे के पेशेंट को बड़ा प्रेस करना पड़ता है। अब तबीयत कैसी है, ठीक है तबीयत? जी बेहतर है, पहले से बेहतर है। मैंने उनको बताया था, मेरे शहर ड्रामे कर रहे हैं, क्योंकि वाकई अस्थमे का अटैक आया था। अब कुछ बेहतर है तबीयत, हमदा ऊपर है, मैं जाने लगा तो मैंने कहा तबीयत का चल पूछ लें अब कैसी है। तो और कुछ कहना चाहेंगे? अब लोगों ने आपके लिए बड़ी दुआएं की, अब जल्द से अब हुआ क्या ये तो बताया नहीं था मैंने। मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मेडिसिन वगैरह लगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने दुआ की मेरे लिए, और बाजू जमा के अबू के लिए भी दुआ करे, वो भी उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग उसे दरख्वास्त है कि खुसूसी दुआ करे उनके लिए और बाजू जमा के लिए भी, कि उनको हौसला अफजाई हो। सूरज गुरूब हो रहा है, मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा है जी। व्यूअर, कौसर की तबीयत क्यों खराब थी, क्या हुआ है? उसको अस्थमा का अटैक आ गया था, वो अस्थमा की पेशेंट है। तो मैं घर पहुंचा तो अचानक मैंने कहा जी मुझे अस्थमा का अटैक आया, तो फिर उसको मेडिसिन वगैरह दी है, वो अब माशाल्लाह कुछ बेहतर है। उसकी तबीयत अचानक से कभी कभी ख़राब हो जाती, तो इस वजह से मैं आप लोगों से कल शेयर नहीं कर पाया कि क्या था। उसको अस्थमा का अटैक आ जाता कभी कभार, को खाने पीने की वजह से, को बदपरहेजी, को होता है ऐसे क्यों अस्थमा का अटैक आया था। तो अब मैंने कहा आपसे इजाज़त लेने चलते हैं, और हम बने ब्लॉग का अख्ताम करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेगा, अल्लाह आपका निगहबान रहेगा, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे इंशाल्लाह। तो अब आप लोगों से ढेर सारी दुआओं की दरख्वास्त है, मैं भी आपके लिए दुआ गूँ हमेशा। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।